हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, अपनी फैमिली में खुश रहें, आबाद रहें। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और थैंक यू सो मच, और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें, आपने बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, और उनके लिए थैंक यू, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अफगानी चिकन कढ़ाई, मज़ेदार किस्म की, थोड़ी डिफरेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल इसमें मैंने डाल दिया है, अब इसमें डालती हूँ चिकन, थोड़े से इसको अच्छा से मैं ड्रेन कर लूँ। और थोड़ा सा ज़्यादा डाला मैंने, बाकी आप कम भी कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। और इसको फ्राई करना अच्छे से, इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए कितना अच्छे से कलर आ गया है। और इसमें डालती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ ही इसमें जो मसाले हैं ये डाल देती हूँ, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर और धनिया पाउडर है, थोड़ा सा ज़ीरा है और हल्दी है, बस ये चीज़ें रहेंगी। क्योंकि कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा होता है, ऑयल ज़्यादा में फ्राई होता है, बाद में आप जब बन जाए तो आप निकाल सकते हैं जितना आप चाहें, क्योंकि ये थोड़ी सी थोड़ी ढाबा स्टाइल टाइप की है, तो इसमें फुल फैट डालते हैं, ऑयल डालते हैं, लेकिन ये है कि अच्छा इसमें डालना है हाफ टी स्पून। ये ग्रीन चिली पेस्ट है, होममेड है, ये घर पे बना के रखा है, इसकी रेसिपी आपको मेरे मिल जाएगी आपको चैनल पे। तो इसको लॉन्ग टाइम के लिए, कितने लॉन्ग टाइम, महीना दो महीने सेव कर सकते हैं इसमें। देखिए कितनी स्मूथ है और मज़े की है, ये बहुत लॉन्ग टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी भुनाई करनी है और मसाले ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। हाफ टी स्पून जाएगा, वन टी स्पून, हाफ टी स्पून है तो चिकन का, मैं तो हाफ टी स्पून में थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी, फ्रेश भी डाल सकते हैं। और इसमें आप डालेंगे टमाटर, अब इसकी भुनाई बस करनी है, और साथ साथ इसको गलाना भी है, ऐसे ही भून के फ्लेम फुल करना है। ये देखें कितने अच्छे से भून गई है ये, और ऑलमोस्ट ये चिकन गल भी गया है। अच्छा देखें ये कढ़ाई कितनी किसी भी तरह की कढ़ाई बना लो, कढ़ाई इतनी मज़े की बनती है, क्योंकि इसमें स्पाइसेस जो इंग्रेडिएंट्स बहुत कम होते हैं, और ये कम स्पाइसेस में ही अच्छी लगती है, बहुत तीखा। देखें ऑलमोस्ट ये गल गई है चिकन, और ये इतनी मज़े की हुई होती है कढ़ाई, कोई भी बना ले, ढाबा नॉर्मल कढ़ाई कोई भी बना ले, चरसी कढ़ाई बना ले, पिशावरी बना ले, या अफगानी है जैसे, तो कोई भी कढ़ाई बनाए इतनी मज़े की कोई लगती है कि सच्चे में, क्योंकि इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, स्पाइसेस बहुत कम होते हैं, सिर्फ ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली बस,
और इसी में इतना फ्लेवर, अच्छा फ्लेवरफुल, इतनी मज़े की बनती है। तो ज़रूर ट्राई किया करें डिफरेंट तरह की कढ़ाई। और इसमें अब हम डालेंगे योगर्ट, योगर्ट तकरीबन डालेंगे 3 टेबल स्पून भर के। और इसको भी अब हम अच्छे से करेंगे। फ्लेम मैंने कम कर दिया था, मैंने फुल कर दिया ताकि ये गल जाए, और अब फुल कर दिया मैंने। अब इसमें डालती हूँ इसमें ग्रीन चिली, मोटी वाली, बहुत मज़े की लगती है मोटी वाली ग्रीन चिली। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं क्रीम, डालूंगी फ्रेश क्रीम। अगर आप दूध वाली बलाई है वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास डबल क्रीम है तो ये मैं डबल क्रीम डालूंगी। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए ना, डबल क्रीम ज़्यादा अच्छी होती है, कम डालनी पड़ती है। बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना क्रीम डाल के। अच्छा, चलिए हो गई है डन। अब इसको मैं करती हूँ डिश ऑन। इसलिए मैं थोड़ा सा कोरिएंडर डाल के, धनिया डालती हूँ। मेरे पास फ्रोज़न है तो मैं फ्रोज़न डालती हूँ, आपके पास फ्रेश है तो डालें, बहुत अच्छी बात है फ्रेश है तो, लेकिन हमारे पास ऑलवेज नहीं होता। चले, मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा फ्रेश धनिया, खूबसूरत लगता है। और कढ़ाई में तो आपको पता है ऐसी चीज़ें तो मज़े की लगती हैं। चलिए अब इसमें गार्निश करती हूँ। जिंजर मैंने जूलियन कट कट के रखा था। चलिए जी, हो गया रेडी। फ्लेम को कर दिया बंद। तो चलिए, थोड़ा सा जूम करके क्लोज करके दिखा देती हूँ। तो मज़ेदार किस्म की अफगानी कढ़ाई हो गई है रेडी। और इसमें क्रीम अगर ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम इनफ है, इतनी ज़्यादा भी नहीं डालनी, बस थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाता है। और चलें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।